मैरी क्रिसमस। खूनी मंडे का क्रिसमस भी मैरी करो और खूनी मंडे को अभी सब्सक्राइब करो और हाँ जिंगल बेल प्रेस करना मत भूलना। क्रिसमस का फेस्टिवल पूरी दुनिया में सबसे खुशहाल फेस्टिवल माना जाता है। आज के दिन सभी बच्चे सांता का इंतजार करते हैं। उन्हें लगता है कि सांता आएंगे और उन्हें क्रिसमस प्रेजेंट देंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि सांता के गिफ्ट के अंदर एक शैतान छुपा हुआ आपका इंतजार कर रहा हो तो 24 दिसंबर क्रिसमस ईव की रात 9 साल की मैक्स अपने रूम के क्रिसमस ट्री के पास बहुत सारे सॉक्स लटकाकर एक नोट लिखकर सो गई थी। कुछ देर बाद मैक्स के मम्मी पापा उसके रूम में एक प्रेजेंट और कुछ कैंडीज लेकर आए। मैक्स की मम्मी ने सभी सॉक्स को कैंडीज से भर दिया और उसके पापा ने उसके क्रिसमस ट्री के नीचे एक गिफ्ट रख दिया। ये सब करके मैक्स के मम्मी पापा दबे पांव मैक्स के कमरे से चले गए। उन्हें अब इंतजार था कि मैक्स जैसे ही सुबह उठेगी वो अपना फेवरेट गिफ्ट देखकर बहुत खुश हो जाएगी। मगर आगे क्या होने वाला था वो ना ही कभी मैक्स ने और ना ही कभी उसके पेरेंट्स ने सोचा होगा। रात के करीब 3 बजे मैक्स की नींद अचानक ही खुल गई। उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके पैरों को बार बार छू रहा हो। मैक्स तुरंत उठकर बैठी पर जब उसने अपने पैरों के पास देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। तभी उसकी नजर क्रिसमस ट्री के नीचे पड़े गिफ्ट पर गई। वो देखकर मैक्स एकदम से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई और उसने एक्साइटमेंट में अपना गिफ्ट तभी के तभी खोल लिया। मैक्स ने उस बॉक्स में से एक डॉल निकाली, एक बेहद सुंदर पिंक फ्रॉक पहनी हुई डॉल जिसके अंदर से एक बहुत अलग सी महक आ रही थी। उस डॉल की गर्दन के नीचे एक बटन भी लगा था। मैक्स ने उस बटन को जैसे ही दबाया तो उस डॉल में से जिंगल बेल गाना बजने लगा। लेकिन गाना चलते ही मैक्स के रूम की लाइट्स अचानक फ्लिकर करने लगी। उस डॉल में से आ रही आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी और मैक्स के कानों में चुभने लगे। वहीं दूसरी तरफ मैक्स के पेरेंट्स अपने कमरे में आराम से सो रहे थे जब उन्हें मैक्स के चिल्लाने की आवाज आई। वो दौड़कर उसके कमरे में पहुंचे मगर वहां तो मैक्स आराम से सो रही थी। उनके लिए ये बहुत अजीब बात थी क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही मैक्स बहुत तेज चिल्लाई थी। मैक्स के पापा ने उसके कमरे को अच्छे से चेक किया, सब कुछ एकदम नॉर्मल था। यहां तक कि क्रिसमस ट्री के नीचे वो गिफ्ट भी वैसे का वैसा ही पड़ा था। इसलिए उस चीख को अपने मन का वहम समझकर वो दोनों वापस अपने रूम में चले गए। अगली सुबह जब वो मैक्स के रूम में आए तो उन्होंने मैक्स के हाथ में उसी डॉल को देखा जो वो दोनों गिफ्ट में मैक्स के लिए लाए थे। वो बहुत खुश लग रही थी और उस डॉल के साथ खेल रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन कुछ दिन बाद जब मैक्स स्कूल गई तो अपने एक लेक्चर के दौरान मैक्स को बुरी तरह फिट्स पड़ने लगे। उसका शरीर अकड़कर टेढ़ा होने लगा और उसके शरीर से बिल्कुल वैसी ही महक आने लगी जैसी उस डॉल में से आती थी। मैक्स की माँ को जल्द ही स्कूल बुला लिया गया और वो मैक्स को सीधा डॉक्टर के पास ले गईं। वो डॉक्टर वहाँ के चर्च के एक मेंबर भी थे और इसलिए जब उन्होंने मैक्स को चेक किया तो वो समझ गए कि मैक्स की बीमारी की वजह शायद कुछ और ही है। लेकिन उन्होंने तब मैक्स की माँ को कुछ नहीं बताया और बस मैक्स को एक हफ्ते के लिए बेड रेस्ट करने की सलाह दी। मगर असली खौफनाक चीजें
तो अब शुरू होने वाली थी। मैक्स रोज रात अपने पेरेंट्स के कमरे में जाकर उनको घंटों घूरने लगी थी। कभी कभी तो वो रात में उनके कमरे में जाकर उनके कमरे की दीवारों पर कुछ ड्राइंग्स बनाने लगती थी। उसके डॉल के अंदर से बजने वाला गाना कभी कभी पूरे घर में गूंजता था और धीरे धीरे उस घर में वही महक फैल गई थी जो उस डॉल में से आती थी। एक दिन जब मैक्स के पापा किसी काम से बाहर गए हुए थे तो मैक्स की माँ की नींद अचानक खुल गई। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने जो देखा वो देखकर उनका दिल दहल उठा। उनके ऊपर एक औरत चढ़ी बैठी थी, वो उनके बहुत करीब थी और मैक्स की माँ को देखकर मुस्कुरा रही थी। वो वही गाना गुनगुना रही थी और उस औरत के अंदर से वही महक जोरों से आ रही थी। ये सब देखकर मैक्स की माँ इतना डर गई कि वो बहुत जोर से चीखी और उनके चीखते ही वो औरत उनके ऊपर से उतरकर रूम से बाहर भागने लगी। मैक्स की माँ का दिल बुरी तरह तब कांप उठा जब उस औरत का रिफ्लेक्शन उन्होंने शीशे में देखा। शीशे के रिफ्लेक्शन में वो औरत और कोई नहीं बल्कि उनकी छोटी सी बेटी मैक्स ही थी। उसकी माँ समझ गई थी कि उनकी बेटी पर किसी बेहद भयानक काली शक्ति का साया पड़ गया है। जब मैक्स के पापा वापस आए तो मैक्स की माँ ने उनको सब बताया और अगले ही दिन उसी डॉक्टर से पूछा कि आखिर उन्होंने ये बात उन्हें पहले क्यों नहीं बताई थी। जिसका जवाब उस डॉक्टर ने दिया कि अगर वो उस डॉल में रहने वाली आत्मा के सामने ये सब कह देता तो सबकी जान को खतरा था। इसके बाद उस डॉक्टर ने मैक्स के पेरेंट्स की हेल्प के लिए उन्हें एक प्रीस्ट से मिलवाया। वो प्रीस्ट मैक्स का एग्जॉर्सिज्म करने को तैयार हो गया और तकरीबन 5 दिन लगातार एग्जॉर्सिज्म चलने के बाद मैक्स पर से उस चुड़ैल का साया उतर गया। उस दिन के बाद से मैक्स को डॉल से बेहद डर लगने लगा और एक लंबे समय के बाद ही मैक्स फिर से नॉर्मल हो पाई। लेकिन आज भी ये कोई नहीं जानता कि ये सब होने के बाद वो डॉल कहाँ गई और उसका क्या हुआ। क्या होगा अगर वो डॉल आपके हाथ लग जाए तो? खैर, क्रिसमस पर ऐसी डॉल कभी किसी को ना मिले। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे अभी सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, विश यू अ मैरी क्रिसमस।